मेरा नाम तहसीनुल्ला, मैं लक्की मरवत यूनिवर्सिटी से बैचलर्स कर रहा हूँ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में। जब मैं एडमिशन ले रहा था तो एडमिशन के लिए मैंने 2 महीने तक मजदूरी की। जब अबू रिटायर हो गए थे उस वक्त हमारे माली हालात ठीक नहीं थे, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ तो ज़ाहरी तौर पर तो मैं सुफ़ुर्द पोश नज़र आता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा गुजारा किस तरह होता है। काम भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं बीमार हूँ, और इलाज भी नहीं करवा सकता क्योंकि मेरे पास इतने पैसे बचते नहीं हैं, 4 बच्चे मेरे पढ़ रहे हैं। आला तालीम हासिल करना मेरा एक मकसद था, और जिसके रास्ते में माली मुश्किलात तो एक रुकावट थी, और जिसे हुकूमत ने एहसास स्कॉलरशिप के ज़रिए ख़त्म कर दिया। हुकूमत की यह मदद मेरे लिए बहुत अहमियत की हामिल है क्योंकि इससे मैं अपने ख्वाब पूरे कर सकता हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि हुकूमत का शुक्रिया अदा करूँ। मौजूदा हुकूमत ने मेरे बच्चे के मुस्तकबिल में सरमायाकारी की है। मेरे बच्चे का तालीमी अखराजात उठाने के लिए हुकूमत जो मेरे साथ या मेरे बच्चे के साथ मदद करती है, ये किसी फरिश्ते से कम नहीं है।